नमस्कार, तेज खबर 24 से मैं हूं आपके साथ अजिता। रीवा शहर की सिविल लाइन कॉलोनी में कॉलेज से घर जा रही छात्रा के भाई से लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस लूट का माल बरामद कर लिया है। आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना बताया है, जो कि केंद्रीय जेल में बंद है। दरअसल मामले का खुलासा आज शहर की सिविल लाइन पुलिस ने किया है। कार्यवाही को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के सिविल लाइन कॉलोनी में कॉलेज से घर जा रही छात्रा के भाई से बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में छात्रा की शिकायत पर पतासाजी करते हुए ईश्वर दीन पांडे को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूट का मोबाइल बरामद कर लिया है। बताया गया कि आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूट की इस वारदात को अंजाम देना बताया है, जो केंद्रीय जेल में बंद होना बताया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये 30 सितंबर 2019 की घटना है। फरियादिया संध्या सिंह जो है, पिता श्री राज बहादुर सिंह, निवासी परसिया की रहने वाली है। ये पाटल साइंस कॉलेज रीवा की स्टूडेंट है। ये अपने कॉलेज से अपने भाई का लेने आया, ये भाई के साथ में सिविल लाइन क्षेत्र से, ये क्योंकि नीम चौराहा बोदाबाग में इनका कमरा था, वहाँ ये जा रही थी। तो उसके भाई से बीच रास्ते में मोबाइल फ़ोन आया तो बात कर रहा था, तभी दो बदमाश मोटरसाइकिल से आए और उसके भाई का मोबाइल छीन के फरार हो गए, जिस पर से विवेचना जारी रही। और अभी ये आरोपी जो ईश्वरदीन पांडे है, इसके पास से मोबाइल बरामद किया गया। ये अपने साथी एक अतुल तिवारी करके है, जो पूर्व से किसी अन्य मामले में केंद्रीय जेल रीवा में निरुद्ध है, उसके साथ में ये मोबाइल छीनने की घटना कारित की थी, जिससे पूछताछ की जा रही है। और ये इस घटना में छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है। अन्य इस तरह के भी अपराध जो शहर में घटित हुए हैं जगह जगह, उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है।